एक्सेल 100 का इसका एक प्रॉब्लम आया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का चाबी ऑन करके दिखा रहा हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चाबी ऑन कर दिया है और हॉर्न भी हम लोग इधर में खोल चुका है, लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा है और इंडिकेटर भी नहीं शो कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं मीटर भी शो नहीं कर रहा है। हम इंडिकेटर देख, जब मैं सेल्फ प्रेस करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, देख रहे सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हॉर्न और इंडिकेटर नहीं बज रहा है। सो हेलो गैस, वेलकम टू बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गैस आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया, जो एक्सेल 100 का इसका एक प्रॉब्लम आया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का चाबी ऑन करके दिखा रहा हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चाबी ऑन कर दिया है और हॉर्न भी हम लोग इधर में खोल चुका है, लेकिन हॉर्न नहीं बज रहा है और इंडिकेटर भी नहीं शो कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं मीटर भी शो नहीं कर रहा है। हम इंडिकेटर दे के रखा है, देख रहे शो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन इसको जब मैं सेल्फ प्रेस करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, देख रहे सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये हॉर्न और इंडिकेटर नहीं बज रहा है। तो उसके क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को इस वाला फ्यूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे गाइस, ये फ्यूज पूरा का पूरा सही है, ये ठीक है फ्यूज, ये खराब नहीं हुआ है। तो उसको मैं नया भी बैटरी डाल दिया है, नया बैटरी भी डाल दिया है, और लेकिन अगर ये इंडिकेटर हॉर्न नहीं हो रहा है तो आगे साइड में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका हेडलाइट के अंदर में एक फ्यूज रहता है, ये भी फ्यूज ठीक ही है, ये भी खराब नहीं हुआ है। तो पीछे में आप लोगों का दिखा रहा हूँ, इधर में एक फ्यूज का माफी एक कटआउट लगा हुआ है, लेकिन ये भी सही है, मैं आप मल्टीमीटर से चेक कर दिया है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो अभी इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना होगा, तो आज मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसका अंदर में और एक फ्यूज़ रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक को पता नहीं होता है जे वो फ्यूज़ कहाँ पे रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक बना। इधर में आपका फ्लशर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर का फ्लशर ये वाला है, ठीक है। और इसका जो अंदर में एक फ्यूज रहता है वो कहाँ पे रहता है आप लोग को देखता हो, तो इसका जो अंदर में रहता है इधर में रहता है गैस, देख रहे हैं गैस, इस वायरिंग का मैं वायरिंग में रहता है वो वाला फ्यूज। तो देख रहे हैं गैस कहाँ पर रहता है फ्यूज, तो इस फ्यूज को पहले चेक करना होगा हम लोग को। पूरा भर का मिट्टी लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ये फ्यूज जल चुका है, कल गया है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं अंदर से कटा हुआ है फ्यूज, इधर में आर एफ टू एक्स्ट्रा फ्यूज रहता है, इसको हम लगाने वाला हूँ, तो इसको नहीं लगाएगा, ये बहुत ही पुराना हो गया है और जंग भी खा चुका है, हम लोग से नया डालना होगा। हम लोग से फ्यूज लेके आओ भाई। तो वैसे आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग नया फ्यूज ऐड कर दिया है इसमें, अभी इसको चाबी ऑन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो बस अभी मैं इसको चाबी ऑन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो चाबी ऑन हो गया है, अब इंडिकेटर देने वाला हूँ, देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है और हॉर्न भी मैं बजा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देख रहे हैं गाइस,
अभी चारों का चारों इंडिकेटर जलने लगेगा, देख रहे है। तो गैस इस एक्सेल 100 वीडियो देख के आप लोगों का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और बेल आइकन को भी बजा देना गैस। तो गैस इस वीडियो आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से दिखा दिया है, एक्सेल 100 जो BS4 में है, TVS एक्सेल 100 ठीक है। तो इस गाड़ी में जैसा कि बीमार हो गया था तो पहले इसका फ्यूज़ का प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग आगे पहले इसको फ्यूज़ को चेक करना होगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा और वायरिंग का भी काटा नहीं होगा, मल्टीमीटर से आप लोग चेक कर लेना जो इसका 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहे गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू गाइस।